हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। और हिस्ट्री में इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जो कमिंग एग्जाम जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, TGT, PGT, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बात करूँगा आपसे जैन धर्म के बारे में। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चन पर ईयर आता है, हर साल आते हैं, और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि जैन धर्म से रिलेटेड होंगे। 30 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वही इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा जो जैन धर्म से रिलेटेड है, वो जैन साहित्य का क्या कहते हैं, यानी जैन साहित्य को क्या कहते हैं, वो कहते हैं अंग। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, जैसे बौद्ध धर्म में तीर्थ होते थे बौद्ध धर्म के प्रचारक, उसी तरह जो जैन धर्म के प्रचारक होते हैं उनको कहा जाता है तीर्थंकर, यानी जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ, उनका नाम है ऋषभ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका क्वेश्चन है ये। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, महावीर स्वामी जी का जो पहला शिष्य था वो कौन था, उनका नाम क्या था। महावीर स्वामी जी का जो पहला शिष्य था उनका नाम था जमाली। अगला जो प्रश्न है हमारा फोर्थ नंबर का, वो है वर्धमान महावीर का जो दूसरा नाम क्या था, यानी कि महावीर स्वामी जी का जो दूसरा नाम प्रचलित नाम था उनका नाम था जेना, यानी उन्हें जेना के नाम से भी लोग जानते थे। अगला जो प्रश्न है पाँचवें नंबर का, वो है महावीर ने जो किस शासन काल में अपना उपदेश दिया था, यानी महावीर स्वामी ने जब उपदेश दिया था लोगों को वो कुछ समय किसका शासन चलता था उस टाइम, तो वो था बिंबिसार के शासन काल में ही उन्होंने अपना उपदेश दिया था। अगला जो प्रश्न है हमारा सिक्स नंबर का, वो है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया था, वो कौन सा शब्द है जिसमें पूर्ण ज्ञान को कौन सा शब्द उपयोग किया गया था, वो है कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जैन धर्म में का सबसे अंतिम, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो जैन धर्म के लास्ट प्रचारक थे, अंतिम तीर्थकार थे, उनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ही सबसे लास्ट और अंतिम, जो कि 24वें कहे जाते हैं, सबसे लास्ट जो धर्म प्रचारक थे उनका नाम है महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर्थंकर जो कौम है से कौन से संबंधित है, जो तीर्थंकर है ये शब्द किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तीर्थंकर जो शब्द है वो किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से संबंधित। जियो और जीने दो, इसको किसने कहा था, ये शब्द का उपयोग या ये उच्चारण आप एक या स्लोगन आप कह सकते हैं, इसको किसने कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। आप इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि जो तीर्थे 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है पार्श्वनाथ, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 23वें तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था बनारस में। अगला जो प्रश्न है वो है 24वें जैन धर्म तीर्थंकर कौन थे, यानी 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम है महावीर स्वामी, जो कि ज़्यादा प्रचलित हैं। पार्श्वनाथ के पुत्र थे वो उनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ के जो पुत्र थे उनका नाम था अश्वसेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी जी की माता का क्या नाम था, उनका नाम था त्रिशला। अगला जो प्रश्न है, महावीर स्वामी जी के जो भाई थे उनका नाम क्या था, नंदवर्धन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी जी के पिता जो थे वो किस कुल से संबंधित थे, वो कौन से कुल के थे, वो थे ज्ञात्रिक कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था, या उस समय कौन सी भाषा प्रचलित थी जिसमें महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था, तो वो भाषा है अर्धमागधी। ये भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी कि नहीं थी, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी, यस या नो, तो नहीं थी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी जैन धर्म में, वो आत्मा में विश्वास करते थे। जैन धर्म में किस में विश्वास करते थे, जैन धर्म जो उनका मेन जो विश्वास करने का ध्येय था वो किस में था, वो था पुनर्जन्म और कर्म में, वो दो चीज़ों दो बातों में विश्वास ज़्यादा करते थे,
पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और कर्म में भी विश्वास करते थे, इसके अलावा और किसी में विश्वास नहीं करते थे। अगला जो प्रश्न है, जैन तीर्थांकर की जीवनी जिसने लिखी थी उनका नाम क्या है? जैन तीर्थांकर की जो जीवनी लिखी थी उनका नाम है भद्रबाहु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो स्टेट लेवल जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और साथ ही साथ ये SSC और रेलवे में तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। अगला जो प्रश्न है वो है, मथुरा की जो कला है किस धर्म से संबंधित है? जो मथुरा की कला है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म ने कहाँ से अपने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने कहाँ से, किस ग्रंथ से जो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया था? वो है साख्य दर्शन से। साख्य दर्शन से उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया था जैन धर्म वालों ने। क्या जैन धर्म में आत्मविश्वास करते थे? क्या जैन धर्म के जो लोग थे या अनुयायी हैं क्या वो आत्मा में विश्वास करते हैं? वो डेफिनेटली करते हैं, वो आत्मा में विश्वास करते हैं कि आत्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था। और चंदेल शासक कौन सा धर्म अपनाया था, यानी चंदेल जो शासक थे वो कौन से धर्म अपनाए थे? उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्योत्तर युग में कौन सा धर्म प्रचलित था? जो मौर्योत्तर युग था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो मौर्योत्तर युग था, उस समय सबसे ज़्यादा जो प्रचलित धर्म था वो था जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? ऋषभ देव का जो प्रतीक था वो था सांड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? खजुराहो के जो मंदिर है उसको बनवाया था चंदेल के शासकों ने, बनवाया था खजुराहो की मंदिर। अगला जो प्रश्न है वो है, पहली जैन भिक्षुड़ी कौन सी थी? यानी जो जैन धर्म में भिक्षा मांगते थे उनमें जो महिला वर्ग में आप कह सकते हैं जो महिला थी जो सबसे पहली भिक्षुड़ी थी उनका नाम है चंपा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है ये फाइनल प्रश्न है, ये 28 जो क्वेश्चन है ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इसमें और क्वेश्चंस हो सकते थे बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने उसमें कवर नहीं किया है। और एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो महावीर स्वामी थे उनकी जो मृत्यु हुई थी या निर्वाण हुआ था वो कब हुआ था, किस आयु में हुआ था? उनकी जो मृत्यु हुई थी 72 ईयर्स के जब वो थे उस समय उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि बिहार में है, वो है बिहार के पूर्व राज्य में पावापुरी में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। और इसमें जो जितने भी तीर्थांकर थे उनके सबके प्रतीक अलग अलग हैं, जैसे ऋषभ देव का मैंने बता दिया सांड है उनका, और उसके बाद अजितनाथ जी का है हाथी है, संभव का घोड़ा है, और महावीर स्वामी जी का जो है प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ एजुकेशनल वीडियो आपके मोबाइल पर सेम टाइम आ जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।